ग्राम पंचायत घोड़ा गांव के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट और दिया गया ज्ञापन। यह ग्राम पंचायत जिले का लास्ट ग्राम है और इस ग्राम में हमेशा पानी और बिजली का समस्या बना रहता है। यहाँ के ग्रामीण कई वर्षों से क्लोराइड पानी पी रहे हैं। सभी घरों में नल जल योजना की पाइप लगे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह 100 पीस बनकर रह गया है। हेड पंप और बोरवेल सूख चुके हैं। पीने का पानी के लिए गांव के किसी कुएं में बहुत दूर जाना पड़ रहा है। इस प्रकार इस गांव में कुछ भी सुविधा नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार जनदर्शन में पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी शासन प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब तक इस ग्राम में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया। आगे देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी इस ग्राम में पानी की व्यवस्था की जाती है। जी, आपका नाम परिचय बताएंगे। मेरा नाम, मैं ग्राम पंचायत घोड़ा गांव की सरपंच हूँ, श्रीमती कुमारी नेता। क्या समस्या लेकर आए थे आज, बताएंगे? पानी की समस्या लेकर आए हैं। पानी में घोड़ा गांव जितना बोर खुदवा रहे हैं, पानी सक्सेस नहीं हो पा रहा है, सूख जा रहा है। इसी के चलते हमारे शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमारे पानी की समस्या जल्दी से जल्दी हल कर दीजिए, कर दें। घर नल जल वाला, वो पानी जल्दी से घर तक पहुंच जाए तो ये अभी पानी की जो समस्या है, किस तरह से नलकूप वहाँ पे कितने, हैंडपंप कितने हैं, नल कितने लगाए गए थे, पहले सुविधा किस तरह का सुविधा था पहले के बताइए। पूरा सूख गया है ना। हाँ। पानी नहीं है। कब से ऐसा समस्या आ रहा है? हो गया, ये तो होती रहता है हर साल। घोड़ा गांव में पानी की समस्या है। हाँ, तो अभी व्यवस्था कहाँ से करवा रहे हैं आप? अभी तो वही है, इसके घर पानी मांगे जैसा, वही टैंकर वाला तो सोच रहे हैं, लेकिन फिर टैंकर के लिए भी तो पानी चाहिए, किसके यहाँ का बोर का पानी देंगे। जी, आपके यहाँ जिला पंचायत सदस्य भी रहते हैं, अभी कई बार मांग के, इस बार उनका क्या है बताएंगे? जी, उनका भी यही है कि हम पानी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी तो आज ये कलेक्टर ऑफिस आए हैं, किनसे मुलाकात हुआ है, क्या आश्वासन मिला है, किस तरह का बताएंगे? अपर कलेक्टर सर से मुलाकात हो गया है, वो जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आग रहे हैं कि जल्दी हो जाए ताकि दोबारा जनदर्शन आना ना पड़े। ठीक है। कोंडागांव से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट।